अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे वो चटक वाली लाल चटनी जो हमें वड़ा पाव के साथ मिलती है। हमें चाहिए होगा आधा सूखा नारियल, 20 से 25 कलियां लहसुन की, नमक और मिर्च। कश्मीरी मिर्च पाउडर लेना है, और अगर ज्यादा तीखा चाहिए तो नॉर्मल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लें। नारियल को मीडियम साइज ग्रेटर में ग्रेट कर लें और सूखे कढ़ाई में बिना तेल के उसे सेकना शुरू कर दें। ध्यान रखिए, जब आप ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो फ्लेम मीडियम हो। कब ये जल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको इसे एकदम डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, मीडियम ब्राउन करना है, और इसे हमेशा चलाते रहना है, क्योंकि कोकोनट की ऐसी क्वालिटी है वो झट से एक पॉइंट पे इतना कलर बदल देगा और वो कड़वा हो जाएगा और आपकी चटनी भी कड़वी हो जाएगी। फिर उसी कढ़ाई में बिना तेल के आप लहसुन को सेकना शुरू करिए ड्राई रोस्ट। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इस चटनी में सिर्फ लहसुन और कोकोनट ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफकोर्स विद चिली। कुछ रोड साइड वेंडर्स जब लहसुन को सेकते हैं तो छिलके के साथ सेकते हैं, और जब पीसते हैं तब भी छिलके के साथ पीसते हैं, तो कभी कभी आपको चटनी में वो रेशे टाइप दिखा होगा, वो लहसुन का छिलका होता है। रोस्टिंग टाइम कोकोनट का 8 to 10 minutes है एंड लहसुन का 3 to 5 minutes। ये चटनी आप एकदम स्मूथ बना सकते हैं लाइक पाउडर, या फिर थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। कोकोनट को पीसते वक्त उसमें नमक डालिए तो जल्दी पीसा जाएगा। इस चटनी में जो असली चटक है वो मिर्च के तीखेपन की चटक है। आप कश्मीरी लाल मिर्च डालोगे तो उससे बहुत बढ़िया कलर आएगा, लेकिन आपको रियली वो रोड साइड वाली स्पाइसी चटनी टेस्ट करनी है तो हमारा जो नॉर्मल मिर्ची पाउडर होता है उसे भी आप एक चम्मच डाल दीजिए साथ में। ये आप बिना फ्रिज के बाहर 5 से 7 दिन स्टोर कर सकते हैं, और फ्रिज में उसके बाद 5 से 7 दिन और स्टोर कर सकते हैं। वड़ा पाव की लाल तीखी चटक वाली चटनी रेडी है। वड़ा पाव के साथ तो इसका मजा आता ही है, लेकिन बाकी स्नैक्स के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एंजॉय।